कौन सी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने कौन कौन से कानून बनाए। हमने रोजगार गारंटी का कानून बनाया। इस दुनिया में 200 देश हैं, किसी भी देश में रोजगार का कानून नहीं है। गरीबी भुखमरी और देशों में भी होगी, बेरोजगारी और देशों में भी है, लेकिन भारत में पहली बार संविधान के अंदर ये शाही से लिख दिया गया कि हर व्यक्ति के परिवार के सदस्य को 100 दिन के रोजगार का अधिकार है। कानून बनाया। कानून क्यों बनाया? क्योंकि पार्टी की, सोनिया गांधी जी की, मनमोहन सिंह जी की सोच थी कि लोगों के, गरीब लोगों के हाथ में पैसा हम कैसे दें। और आज मुझे बताते हुए खुशी है, जब कोरोना काल चल रहा था, जब पहला चरण था, दूसरा चरण था, कारखाने बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, धंधे ठप हो गए थे, लोग पलायन कर गए थे, करोड़ों लोग अपने अपने गांव चले गए। गांव में जाकर एक नरेगा ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से लोग काम कर सकते थे और दिन का उनको 100-200 रुपए हाथ में आते थे, उनका चूल्हा जलता था, बच्चे पेट पाल सकते थे अपना। ये वो योजना थी। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ये मूलभूत सुविधाएं अपने साथियों को, अपने नागरिकों को हम लोग कैसे दें, ये सोच लेकर हम लोगों ने सरकार में काम किया था। उन 10 सालों में करोड़ लोगों को, 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर ऊपर लेकर आए थे उन 10 सालों में। आज ये हाल हो गए हैं, कोरोना भी आया, धंधे बंद हो गए, आर्थिक मंदी आ गई, बेरोजगारी इतिहास में 70 साल में कभी की रही नहीं जितनी आज बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, हम तो बना रहे कानून नरेगा का, खाद्य सुरक्षा का, सूचना का, शिक्षा का, गरीबों का, निवासियों का, दलितों का, महिलाओं का, नौजवानों का। और अब जो कानून बन रहे हैं वो 3 कृषि कानून जो बने हैं दिल्ली में, किसको लाभ देने के लिए बनाए हैं? इस देश में सबसे बड़ा व्यापार अगर कोई है तो कृषि का व्यापार है, लेकिन किसान व्यापार नहीं करता। किसान मेहनत करता, खून पसीना बहाता, अनाज पैदा करता है। इतना बड़ा व्यापार ये चंद लोगों के हाथ में अगर चला गया, आप कल्पना करो, पहले मोबाइल की कंपनियां 10-12-15 होती थी, अब ले के 2-3 रह गई, पूरे बाजार पे कब्जा है मोबाइल की मार्केट में। और खेती की मार्केट में आज मंडी हर जगह, ब्लॉक हर जिले में, हर प्रदेश में सैकड़ों मंडियां, किसान अपना अनाज आके बेच सकता है। समर्थन मूल्य हमने घोषित किया, सरकार करती है। जब व्यवस्था 4-5 लोगों के हाथ में आ जाएगी, पूरे देश की सारी खरीद की, सारी स्टोरेज करने की, तो क्या हाल होगा? एक साल से किसान सड़कों पे हैं, किस लिए? उनको मजा आ रहा है क्या? घर बार छोड़कर ठंड में, धूप में, बारिश में सड़कों पर पड़े। और किसानों का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनकी हिम्मत आप देखो, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा आप सब जानते हो। किसानों को मारा जा रहा है, कि कैसे मुल्क की कल्पना हम लोगों ने करी। दुख होता है, इसमें राजनीति की बात नहीं है, सोचने की बात है। विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देना, आरोपियों को पनाह देना, बड़े बड़े पदों पर जो शपथ लेकर बैठे हैं वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे, न्याय कैसे होगा? रसूख वाला अभी मंत्री की शपथ लेकर बैठा हो, कोई निष्पक्ष जांच हो सकती है क्या? इन अधिकारों पर लड़ने के लिए हम लोगों को दोबारा जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इस देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान वर्ग है। जयपुर से पूरी खाद हमारे जिले टोंक जिले में आ जाएगी और जो भी कमी है अगले 1-1.5 दिन के अंदर अंदर उसको हम पूरा करेंगे। खाद की कमी हो, बिजली की कमी हो, उन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आप लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हमको ये जिम्मेदारी दी है सरकार चलाने की, हम सब काम करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा और प्रमुख रूप से अगर किसी की मदद और सहायता में करनी है तो किसान वर्ग है। इसीलिए अभियान चला है प्रशासन गांव के संग, और गांव में छत्तीस गांव के लोग जो रह रहे हैं उनकी पूरी मदद हम लोग करें। मैं जो हमारे अधिकारी साथी बैठे हैं, जिसकी मदद आप कर रहे हैं और वो वंचित रह जाता है, तो कृपया करके उच्च अधिकारी से बात कर लो, थोड़ी बहुत रियायत देनी हो, ऊपर नीचे करना हो 19-20 तो कर दें। गरीब लोग हैं, उनकी जितनी ज्यादा मदद हो सके उतनी मदद हमको करनी चाहिए। इस क्षेत्र में और बाकी पंचायतों में कार्यक्रम चलेगा अगले कुछ हफ्ता तक। मैं चाहूंगा हम सब मिल बढ़कर इसमें भाग लें।
एक दूसरे की मदद करें और जो